अक्सर आपने देखा होगा कि जरा सा थूकने की बात को लेकर बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक ऐसा समाज है जहां पर एक दूसरे पर थूकने को स्वागत माना जाता है और यह समाज की 250 वर्ष पुरानी परंपरा है। विवाह के बंधन में बनने वाले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे पर दूध और खोपरा चबाकर थूकते हैं। इसको दूल्हा दुल्हन का घर में स्वागत कहा जाता है। बुरहानपुर में राठौर तेली समाज में यह परंपरा आज भी जीवित है। शादी होने के बाद जब दूल्हा दुल्हन अपने घर पहुंचते हैं और दूसरे दिन जब सुबह उन्हें नहलाया जाता है तो उससे पहले यह रस्म निभाई जाती है। जब लोकल 18 की टीम ने समाज में विवाह संपन्न कराने वाले रितेश पाठक से बात की तो उन्होंने बताया कि राठौर तेली समाज की यह 250 वर्ष पुरानी परंपरा है। शादी में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के होने पर दूध और खोपरा चबाकर पाँच पाँच पिचकारियाँ थूकते हैं। इस परंपरा को दूल्हा दुल्हन का घर पर स्वागत कहा जाता है। समाज पिछले 250 वर्षों से यह परंपरा चलाते आ रहा है और आज भी यह परंपरा जीवित है। इस रस्म को निभाने के लिए समाज के लोग एकत्रित होते हैं, जिसके बाद यह रस्म संपन्न कराई जाती है। ऐसा ही नज़ारा बुरहानपुर के शिकारपुरा क्षेत्र में भी देखने को मिला। तुले राहुल राठौर का विवाह धानोरा की गुंजन से हुआ, जिसके बाद दूल्हे राहुल के घर पर यह रस्म निभाई गई। पुरानी परंपरा समाज की, और आपने किस तरह से विवाह लगाया और किस तरह से दूल्हा दुल्हन एक दूसरे पे थूक कर विवाह? ये समाज जो है राठौर तेली है और इनके समाज में 250 साल पुरानी ये प्रथा है कि विवाह के अगले दिन दूल्हा दुल्हन वो दूध का पानी बनाकर और वो उनका मुंह में रखकर उनके ऊपर थूकते हैं। अब ये इसको हम शास्त्र के हिसाब से माने तो ये एक प्रेम संबंध का एक प्रतीक होता है और उसके बाद जो भी है ये संसार निर्वाह करते हैं। स्वागत माना जाता है इसको? स्वागत माना जाता है। क्या नाम आपका? रितेश पाठक।